गद्दीनो गांव थ्रयाल में हुए अज्ञात लोगों द्वारा हमले में घायल एक ही परिवार के 5 लोगों में से एक की मृत्यु अशोक कुमार की पहले हो चुकी है, जबकि दूसरे कौशल कुमार की मृत्यु मंगलवार को हो गई। इसकी जानकारी में पारिवारिक सदस्य ने दुख जताया और एसएमओ डॉक्टर भूपेंद्र सिंह ने मृतक की शारीरिक स्थिति की जानकारी दी। वहीं पर विधायक दिनेश सिंह बब्बू ने इस सारे मामले के प्रति दुख जताया और पुलिस प्रशासन से मांग की है कि वो जल्द से जल्द हथियारों को पकड़े और लोगों को राहत दें। देखो पिछले दिन माधोपुर लाल लगते थ्रयाल पिंड एक परिवार से जानलेवा हमला हो गया। ठेकेदार अशोक कुमार जी मतलब जिन्हों की मौत हो गई है वो मेरे चाचा सहुरा थे। उन्होंने परिवार के दो मैंबर इतने बहुत ज़्यादा सीरियस थे अमनदीप हॉस्पिटल के और अच्छ उन्होंने बड़े बेटे कौशल कुमार की डैथ हो गई है जी। बहुत माड़ी घटना है जी। असी पुलिस अगे और जिला प्रशासन अगे पंजाब सरकार के अगे असी बेनती करते हैं कि इस मसले का कोई ना कोई हल निकलना चाहिए है और सानू इंसाफ चाहिए है। इतनी ज़्यादा बड़ी घटना होने के बावजूद भी पुलिस ने सानू कोई भी अजे दिन इस दिन तक कोई भी एविडेंस नहीं दिता। सानू इसका सानू मतलब सारे परिवार को और साढ़े पिंड के बंदियों के रोष पाया जा रहा है। ये असं फिर एक बार उम्मीद कर रहे हैं कि पुलिस सानू सहयोग करेगी और उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी सानू इंसाफ मिलेगा। डकैती हुई थोड़े पहले उन्होंने जो चार लोग एडमिट है एक भी पहले डेथ हुई एक भी अज उन्होंने परिवार पहले दिन तो बड़ा सीरियस था और मैं भी अस्पताल इसे करके आया हाँ और लगातार उन्होंने घर में भी गया सिविल अस्पताल जो आए उसने उन्होंने परिवार के अभी नाल है। लेकिन जी डकैती हुई है जो इस गल बड़ी हैरानगी की गल है कि उन्होंने जो चोरी भी की है लेकिन जिस तरीके उन्होंने मारिया ना जी बड़ी बुरी तरह उन्होंने संस्कार मैंने घर में वो पता लगे कि कल संस्कार है करना। अपने वालों ये है कि मैं ये बारे सी एम साहब का भी कोशिश की गल कर मेरे सी एम साहब ने गल नहीं हुई लेकिन मनप्रीत बादल ने इस्तीफे दिता और डी सी जी ने फोन करके कहा कि आप 2 लाख रुपये ना इलाज वास्त जरा कल रात में साढ़े को तकरीबन 2-2.5 बजे तक बॉडी जी अमनदीप हॉस्पिटल में शिफ्ट हुई है। जोड़ा असॉल्ट का केस है और अमनदीप हॉस्पिटल एडमिट से रैप चो वेंटीलेटर से अब से पोस्टमार्टम कर जा रहे हैं क्योंकि असॉल्ट का केस है पुलिस पेपर तैयार हो गए लेकिन अच्छी डॉक्टर की ड्यूटी लगा देती हूँ तो पोस्टमार्टम करके जी वजह है डेथ की उसको पता चल जाएगा।